बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी भाइयों का ये सवाल होता है कि हम अपने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, यानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इसको अपने अकाउंट से किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको तरीका बताऊंगा। बेसिकली दोस्तों, ये ऑफिशियली तरीका नहीं है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप 100% अपने इजी पैसा अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ऑफिशियली आप अपनी इजी पैसा अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी बेसिक वजह दोस्तों ये होती है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जो भी आप अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ब्रांचलेस बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका किसी ब्रांच में अकाउंट है, किसी भी किस्म का अकाउंट है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैक पे उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होती है, एक हिस्ट्री बनती है और आपकी सहूलत के लिए होती है कि आप किसी भी टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन को वहां से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बहरहाल, फिर भी अगर आपने अपने इजी पैसा अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करनी है तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली कोई तरीका नहीं है। आप बेशक *786# के थ्रू जाएं या एप्लीकेशन के थ्रू जाएं, आपको कहीं कोई ऐसा प्रोसेस नहीं मिलेगा जिससे आप अपने इजी पैसा अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर सके। लेकिन आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। करना क्या आपने दोस्तों, आपने उसी नंबर से जिस नंबर पर आपका इजी पैसा अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, हेल्पलाइन पर कॉल करना है। इजी पैसा की हेल्प पर कॉल करने के बाद आपने नुमाइंदे से बात करनी है और नुमाइंदे को बताना कि जी मैं अपना इजी पैसा अकाउंट जो है वो क्लोज करना चाहता हूं। तो नुमाइंदा आपसे चंद वेरिफिकेशन लेगा जिसमें आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो बर्थ प्लेस है यानी पैदाइश का जिला वो आपसे पूछेगा और आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। 15 से 20 मिनट का नॉर्मली टाइम होता है, वो आपको घंटा दो घंटे का टाइम देगा, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इजी पैसा का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप अगले ही लम्हे उसी नंबर के ऊपर दोबारा से अपना इजी पैसा अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपना इजी पैसा अकाउंट दोबारा उस नंबर पर ओपन करेंगे तो पिछली जो सबका हिस्ट्री थी वो रिमूव हो चुकी होगी, डिलीट हो चुकी होगी और अब आपका अकाउंट जो है दोबारा उसी नंबर पे वही अकाउंट उसी तरीके से आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो पिछली हिस्ट्री होगी वो वहां पे आपको शो नहीं होगी, वो डिलीट हो चुकी होगी। तो अगर आप भी अपना इजी पैसा अकाउंट की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर लगा दीजिएगा ताकि आपके एक्सपीरियंस से बाकी लोग भी मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।